अल्लाह तबारक व तआला इसमें फरमाता है कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, लोगों में से कुछ उसमें आगे ऐसे भी हैं जो कि इबादत करते हैं बिल्कुल किनारे पे खड़े होकर, बिल्कुल नेकी करते हैं बिल्कुल किनारे पे खड़े होकर। किनारे पे खड़े होने से मुराद ये है कि अगर उन्हें खैर मिल जाए, दुनियावी फ़ायदा मिल जाए तो मुतमिन रहते हैं, अगर दुनियावी फ़ायदा ना मिले तो अपने कदमों पर फिर जाते हैं। ठीक है, उसकी हमने वजाहत दी थी कि ऐसा दौर था, सहाबा फरमाते हैं कि मुख्तलिफ कबीलों से लोग आते हुजूर की बारगाह में, आकर इस्लाम लाते, तो इस्लाम लाने के बाद जब वापस जाते तो जाते अगर उनके बारिश होती, घास निकल आता, मवेशी बड़े हो जाते, फसलें उगाती, तो वो कहते हैं कि इस्लाम ने बड़ा फ़ायदा दिया, और अगर जाते ही खुश्क साली होती, कोई नुकसान हो जाता, कोई जानवर मर जाता, तो वो फ़ौरन कहते कि नाउज़ बिल्ला इस दीन से तो हमारे घर में आफत आ गई है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बिल्कुल कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल किनारे पे खड़े होकर इबादत कर रहे होते हैं, जैसे कहीं इंसान को डर लग रहा हो ना तो इंसान किनारे पे खड़ा होता है कि यार जो ही अगों को सिग्नल नजर आया तो मैं दौड़ जाऊंगा, बच जाऊंगा। सेम अल्लाह ताला फरमाता है बिल्कुल किनारे पे खड़े होकर इबादत कर रहे हैं कि ठीक है अगर कोई दुनियावी फ़ायदा मिला तो अल्लाह भी सच्चा, रसूल भी सच्चा, सारा कुछ सच्चा है, और अगर नहीं तो फ़ौरन पीछे भाग दो। तो अल्लाह ताला फरमाता है खासिर दुनिया वाल आखिरा, ऐसे लोगों ने अपनी दुनिया में भी खसारा खाया और आखिरत में भी खसारा। वया दो मिन दून अल्लाह मा ला यदुरु व मा ला यनफ़ऊ, और फरमाया वो अल्लाह के अलावा उनको पुकारते हैं जो ना तो नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान कर सकते हैं। जालिका हुवा अद्दलालुल बईद, और ऐसा बंदा एक गुमराही में दूर जा चुका है, अकल से काम भी नहीं ले रहे कि एक वो बुत जो हाथ से बनाया है उसके सामने सर को झुकाया जा रहा है। यद ओलमन तरुआ तर नफ़ई, उसको पुकारते हैं कि जिसका नुकसान ज़्यादा है नफ़ा कम है। लबल मऊ, अल्लाह ताला फरमाता है कितना बुरा इनका हक है और कितना बुरा इनका दोस्त है। शैतान को पुकारते हैं या बुत को पुकारते हैं, तो फरमाया ऐसे बंदे को या ऐसी चीज़ को पुकारने का क्या फ़ायदा जो अपने नफ़ा नुकसान की मालिक नहीं है। उसको बंदा खुदा के दर्जे पर खड़ा कर दे, अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा। इन्नल्लाह युदखिल अल्लज़ीन आमनू व अमिलु सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हार इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। फरमाया जो अल्लाह ताला है वो ईमान वालों को जो ईमान भी लाए और आमाल सालिहा भी किए, समझ गए, अल्लाह के यहाँ जन्नत में दाखिले की ये दो शरायत हैं, ईमान भी लाना और अमले सालिह भी। अमले हाँ, अकेला ईमान भी दर्जात नहीं ले सकेगा और अकेले अमले सालिह भी काम नहीं आएंगे, बल्कि अमले सालिह भी चाहिए ईमान भी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया जो शख्स ये दोनों चीज़ें जमा करके हमारी बारगाह में आ गया हम उसको ऐसी जन्नत देंगे जहाँ नहरें बहती हों। असल में ये थोड़ी सी बात समझनी भी, हमें ये बात कुछ ज़्यादा नहीं लगती नहरों वाली ना, तो जो कौम उस वक़्त मुखातिब थी ना वो पानी तसव्वुर में सोचती होती थी, ठीक है। अब हुजूर की नबूवत पर जो कुफार ने हुजूर से दलील मांगी थी उस दलील को भी जहन में लाएं कि वहाँ पानी की इतनी अहमियत थी। दलील क्या मांगी थी कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आप मक्का में ऐसा बाग लगाएं जहाँ पानी बहता हो, या आपका ऐसा बाग हो जिसमें चश्मा हो, यानी वहाँ पानी की इतनी कदर थी। हमारे यहाँ तो ईजी हर जगह पानी मिल जाता ना, तो हमें ऐसी जन्नत की कदर नज़र नहीं आ रही। तो अहले मक्का जहाँ पानी मफकूद था सवाए आप जमजम के कुएँ के और कहाँ पानी था वहाँ पे, उनकी फसलों में पानी जब आता तो कहीं, तो वो कहते हैं अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं इन पहाड़ों के दरमियान आपका बाग हो और वहाँ से चश्मा निकला है, यानी कि चश्मा ही उनके यहाँ ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत थी। वो अल्लाह के नबी को कह रहे थे कि हम आपको नबी मान लेंगे, आप चश्मा ले आएँ पानी ले आएँ। उनको अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम जब आपको बाग देंगे, घर देंगे, महल देंगे, वहाँ वाफर पानी होगा, पानी बहता हुआ होगा। इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, और अल्लाह जो चाहता है वो करता है, जो अल्लाह उसकी चाहत में कोई रुकावट नहीं है। बंदा कभी चाहता है फिर रुकावट आ जाती है, कभी सामने कोई आ जाता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ये ना समझें कि जैसे तुम्हारा बाप तुमसे वादा करता है कि मैं घर बना दूंगा तो बाद में पूरा नहीं कर सकता, तुम्हारा भाई तुम्हारा दोस्त वादा करता है, अल्लाह ताला फरमाता है हरगिज़ नहीं, बल्कि मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे और मैं जो वादा करता हूँ और जो चाहता हूँ मैं कर देता हूँ, मेरे सामने कोई रुकावट नहीं। मन कान यज़न अल्लाह यंसुरहु अल्लाह फिद्दुनिया वल आखिरा,
आगे अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी मिसाल बयान फरमाई। अल्लाह ताला फरमाता है कि देखें हुजूर, इन में से जो चाहता है, जो ये ख्वाहिश करता है कि अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा, मतलब कुफार क्या करते थे, जो काम भी हुजूर के ख़िलाफ़ करते, आज हमने सूरह तौबा में पढ़ा, जो काम हुजूर के ख़िलाफ़ करते वो हुजूर के हक में हो जाता, मुसलमानों को बार बार फतह हो जाती। तो अल्लाह ताला फरमाता है हुजूर आपको हमने फतह देते रहना, आपको हमने फतह देते रहना। रही कुफार की बात, अगर इनका साड़ यानी हसद अगर इनका पूरा नहीं हो रहा, इन्हें कहीं आसमान पर, आसमान की तरफ लगाएं सीढ़ी और जाकर अल्लाह की मदद रोक आएं, आसमान की तरफ लगाएं सीढ़ी और वहां से जाके मदद रोक आएं, वरना हुजूर की मदद रुकने वाली। हाँ, मतलब ये है जो कुरान पाक के अल्फाज हैं वो ये हैं कि आसमान की तरफ सीढ़ी लगाएं और फंदा लें और फांसी लेके मर जाएं, हुजूर की मदद नहीं रुकने वाली। बिल्कुल ऐसे होता है, जो अल्लाह की राह में चलता है उसकी राह में एक रुकावट, दो रुकावट, चार रुकावट, पाँच रुकावट, जितनी मर्जी रुकावटें आते रहें। समझने की बात, छोटी समझने की बात होती है कि जिसकी भागदौड़ अल्लाह संभाल ले। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हुजूर हम आपके साथ हैं, आपके सहाबा के साथ हैं, हम आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे, आपके सहाबा के लिए काफ़ी हो जाएंगे। और जिसकी भागदौड़ अल्लाह ही संभाल ले तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो उसको मरकज़ से हटा सके। बहरहाल समझने की बात, वकज़ालना आया तुम बैना, अल्लाह ताला फरमाता है हम ऐसे अपनी वाज़ निशानियाँ देते रहते हैं, और वन अल्लाह यहदी मैं, और जिसे अल्लाह चाहता है उसे हिदायत मिल जाती है, जिसे अल्लाह चाहता है उसे हिदायत। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए मेरा बेटा, आप जितने बच्चे भी हैं, आप अपने दोस्तों को देखें, अपनी फैमिली में अपने भाइयों को देखें, दिन में कम अज़ कम 7-8 घंटे आप मस्जिद में गुजारते हैं। आप अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने दोस्तों को देखें, बमुश्किल वो फजर की नमाज़ पढ़ते होंगे, और आप वो हैं जो 5-6 घंटे, मतलब 4-5 घंटे की तो हमारी क्लास मस्जिद में होती है, हर नमाज आप पढ़ते हैं, मुराकबा करते हैं। मतलब इस दौर में ऐसी संगतें नसीब होना, ये बिल्कुल अल्लाह ताला के उस कौर, क्योंकि अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता, ये अल्लाह की हिदायत पर नाज किया करें, इसके लिए मेहनत काम नहीं आती, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह ताला إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد। अल्लाह ताला फरमाता है जो ईमान लाएँ, मोमिन हैं, जो यहूदी हैं, जो सितारा परस्त हैं, जो ईसाई हैं, जो मजूसी हैं, और जो मुशरिक हैं, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन फैसला कर देगा कौन हक पर है, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह, अल्लाह हर चीज़ देख रहा है। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह सब ग्रोहों को कटहरे में खड़ा करके फैसला फरमा देगा कौन हक पर है और कौन बातिल पर है। सजदा आ रही है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारा आना बैठना अपनी बात करें।